हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर चरणमोल और आप देख रहे हैं कौशल बाट का। फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हम आपको दिखाया था कि ये बाट क्वारंटाइन में है, तो आज 5 दिन के बाद फिर भी आपको दिखा रहा हूँ कि ये बाट का हेल्थ कंडीशन बहुत ही अच्छा अभी तक रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए बाट को हम एक बार दिखा लेते हैं कि इसका हेल्थ कंडीशन कैसा है। ये बार्ड अभी क्वारंटाइन में है, तो इसके हम मोर्टिलिटी ज़्यादा अगले दिन में मोर्टिलिटी ज़्यादा ना हो पाए, तो इसीलिए हमको इसको अंदर जान कोई रहना रह नहीं पाए, तो इसीलिए हम इसको कुछ एंटीबायोटिक कोर्स कराएं ये 5 दिन का। और ये एंटीबायोटिक क्या देंगे, कैसे डोज में देंगे, ये आपको हम दिखा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको हम दिखा रहा है कि ये जो मेडिसिन है, जो एंटीबायोटिक है, इसका नाम है नियोडॉक्सफोर। तो इसका कंपोजिशन हम आपको बता रहा है कि ये डॉक्सीसाइक्लिन का कॉम्बिनेशन है, डॉक्सीसाइक्लिन और नियोमाइसिन सल्फेट का कॉम्बिनेशन है, जो कि बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है मोटिलिटी के लिए, क्वारंटाइन टाइम के लिए, क्योंकि ये इसका बेनिफिट जो है, इसका हाफ लाइफ ज़्यादा होता है डॉक्सीसाइक्लिन का। मतलब आपको दिन में एक ही बार आपको देना होगा, दो टाइम नहीं देना होगा आपको। तो इसका हाफ लाइफ ज़्यादा होने की एडवांटेज ये है कि इसका शरीर में 18 to 24 आवर्स ये एक्टिव रहेगा इस एंटीबायोटिक। तो इसका दाम प्राइस आप देख रहे हैं कि 137 रुपीज़ प्राइस है, और ये 50 ग्राम में अवेलेबल है मार्केट में। तो फ्रेंड्स, इसका डोजेस होगा 0.5 ग्राम पर एक 1 लीटर वाटर मिक्स विथ 1 लीटर वाटर पर 100 पिंच वाट्स, क्योंकि यहाँ पर 9 पेयर का पिंच वाट है, तो इतना क्वांटिटी में हम नहीं देंगे। तो हमको अब दिखा रहा है कि कितना क्वांटिटी में हम देंगे, और 100 से 150 ml पानी में हम घुल सकते हैं इससे, और इससे हम 5 डेज का कोर्स कराएंगे। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इस मेडिसिन को अभी काट रहा हूँ। अब देख रहे हैं, पहले भी बताया था और अभी बता रहा हूँ, अभी भी मैं बता रहा हूँ कि ये जो स्पून है और जो कंटेनर है, ये डिसइंफेक्टेंट किया हुआ है, तो आप भी कर लीजिएगा। और देख रहे हैं कि हमने इस सैचेट से थोड़ा ये देखिए, थोड़ा हमने डाला और यहाँ पर डालेंगे और मिक्स विथ वाटर करेंगे। ये अब दिखा रहा हूँ मैंने। देखिए फ्रेंड्स, ये मेडिसिन अभी डिसॉल्व हो रहा है, डिसॉल्व कर दिया। कुछ टाइम रखने के बाद ये पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा, पूरी तरह से घुल जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि मैं एक पिंजरे के अंदर ये एंटीबायोटिक किया हुआ पानी दे रहा है। हम मिडिल पॉइंट में ही रखेंगे, क्योंकि खाने के लिए सभी को ये अच्छा ही होगा। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो मेडिसिन अभी मैं खुला हुआ है, ये जो ये, तो ये ऐसे आप तो 5 दिन यूज़ कर सकते हैं, पर जो मेडिसिन रह गया है, तो ये कैसे आपको इसको कैसे आप रिस्टोर करेंगे, ये हमको दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, कैसे हम इसको रिस्टोर कर रहे हैं, क्योंकि ये आप रिस्टोर करने से आप 2 महीने 1 महीने तक आप रख सकते हैं इस एंटीबायोटिक को, नहीं तो ये एंटीबायोटिक
खराब हो जाएगा, इसकी इवापोरेशन हो जाएगा, ये आप और यूज नहीं कर सकते, ये रूल्स है। तो रिस्टोर करने से ही आप इसको एक तो दो महीने तक यूज कर सकते हैं, और आपको फ्रिज का डोर में ये रखना होगा रिस्टोर के बाद। तो ऐसे तरह आप दो महीने तक ये एंटीबायोटिक यूज कर सकते, नहीं तो आपको इसको फेंकना होगा 5 दिन यूज करने के बाद। तो देखिए मैं काट रहा हूँ और कैसे रिस्टोर करना है आपको, ये भी आपको दिखाऊंगा कि इससे करने से आपको थोड़ा पैसे भी बच जाएगा, क्योंकि नहीं तो ये दाम बहुत ज़्यादा है, तो आप बहुत ही खर्चा बढ़ जाएगा ऐसे। तो ये हम दिखा रहा है, हम इसको अंदर डाल रहे हैं, देखिए हम इसको रिस्टोर के लिए। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कंटेनर है ये तो आपको नया वाला ही होना चाहिए, इसको कांच हो, कांच का कंटेनर हो तो अच्छा है। और एक चीज आपको करना होगा कि इसके डालने के बाद आप ये देखिए एक कटा हुआ बैक के पोर्शन है ये दे रहे हैं हम, इसीलिए कि इसको इवापोरेट ना हो सके, इसको एयर टाइट करने के लिए दे रहा हूँ। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी मटेरियल यूज कर सकते हैं जो इसके एयर टाइट करने के लिए है। तो मैं ये काट के हम दे रहा हूँ, इससे आप थोड़ा कम इवापोरेट होगा। ये अभी टाइट कर दूंगा, मैंने फुल टाइट हो गया है, अभी इसको हम फ्रिज के अंदर ही रखेंगे, फ्रिज के डीप फ्रिज में नहीं रखेंगे, इसको हम फ्रिज के डोर में रखेंगे और जब भी बाद में काम आएगा तो यूज कर सकते हैं 2 महीने तक। ये ध्यान में रखिएगा कि 2 महीने के बाद इसको यूज नहीं करना है, क्योंकि ये मेडिसिन जो है ये इसका जो गुण है ये इवापोरेट हो जाएगा, कम होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।